बांटे। चलो ठीक है, जिनके पास पैसा है वो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है जो गरीब लोग हैं जो कि सड़क पे ही रह रहे हैं उनको तो उन्हें प्रोटेक्शन देना चाहिए। तो आप तो एजुकेटेड हैं तब प्रोटेक्शन नहीं ले रहे, तो गरीब आदमी कैसे लेगा? एजुकेटेड हाँ है तो वी आर यूजिंग सैनिटाइजर है ना, टाइमली वी आर यूज, मतलब हम लोग अपने हैंड वॉश कर रहे हैं, सब कुछ प्रोटेक्शन ले रहे हैं। बट अभी मास्क बोल रहे हैं तो ठीक है, अभी मास्क नहीं पहन के रखा है। हाँ लेकिन अभी गवर्नमेंट इतना बोल रही है तो यूपी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मास्क डिस्ट्रीब्यूट करें। चीन के वुहान शहर से फैला कोरोना वायरस लगभग पूरे विश्व में दस्तक दे चुका है। भारत भी इसकी चपेट में है। कानपुर शहर की कोचिंग मंडी कहे जाने वाले काकादेव में आम तौर पर स्टूडेंट का मजमा लगा रहता है, लेकिन इस समय यहाँ की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जानिए कानपुर संक्रामक रोग विशेषज्ञ क्या कहते हैं कोरोना वायरस पर। संदिग्ध मामले आए हैं, उनका सैंपल लिया गया है, मगर अभी आज ही 3 मरीजों का सैंपल लिया गया है और अभी उसको भेजा जाएगा। अगर रिपोर्ट आने के बाद ही उस पर आगे कुछ बता सकते हैं। सर अस्पताल प्रशासन किस प्रकार से इसको इससे निपटने के लिए क्या तैयारियां की हैं अस्पताल में? गवर्नमेंट के निर्देशों के अनुपालन में सभी तैयारियां हमारे पास हैं। सभी आइसोलेशन वार्ड है और सुरक्षा के सभी उपाय हैं यहाँ पर। जी आम जनता को बचने का सबसे आसान उपाय ये है कि एक तो परेशान ना हो, भयभीत ना हो, और इसमें हर जुखाम खांसी का मतलब ये नहीं है कि उसको कोई कोरोना होने जा रहा है। तो जब तक आप उसके संपर्क में नहीं आएंगे तब तक आपको कुछ नहीं हो सकता है। और आम आदमी जिसको जुखाम खांसी हो वो एक मास्क पहन सकता है, ऑर्डिनरी मास्क, ताकि दूसरों लोगों को उसके संपर्क में ना आए। बाकी वो जो विदेश से जो लोग आए हुए हैं उनको विशेष सावधानी बरतनी है, वो अपने को आइसोलेट करें, वो अगर उनको कोई लक्षण हैं तो यहाँ संपर्क करें, उनके जम्मू उसका उनकी जांच का नमूना लिया जाएगा, उसको जांच को भेजा जाएगा। बाकी लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ऐसा कोई पैनिक नहीं है। नहीं, हमारे संज्ञान में अभी तक कोई नहीं आई है। ये नॉनवेज चीज़ें हैं उसकी जो ईटिंग है उसको बहुत कंट्रोल में करना है क्योंकि कोरोना उसी से होता है। और जो बता ये भैया बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है और जो बताया गया है आज तक में बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, इंडिया न्यूज़ में दिखा रहे हैं। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग बता रहे हैं जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं उनके लिए कुछ नहीं, तो अल्कोहल से तो कुछ नहीं होता। अल्कोहल से अगर होता तो काम बन चुका होता। आज अपने इंडिया में बहुत नशेबाज पड़े हैं। कम्युनिकेबल डिजीज है मैम, तो कोई अगर कोई यहाँ सस्पेक्ट है अगर कोई ऐसा है तो उससे भी टफ हो सकता है। आप अभी हैंडल टच करेंगे, लिपिंग बटन टच करेंगे, उसके बाद आपको अपने फेस को टच करना है, वो ध्यान रखना है। आप अपने हाथों को साफ रखो, हर हाफ एन आवर में उसको वॉश करते रहो, उसे अच्छे से। तो इतना वहाँ पे जाके इतना प्रॉपर फॉलो करेंगे सब रूल जो आपने बताया? करना पड़ेगा अगर आपको अपनी फिक्र है तो। अभी अपना यूपी में इतना नहीं फैला है, इतना अन्य जगह फैला है, लेकिन यहाँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग एहतियात बरत रहे हैं और संभवतः चाहेंगे कि यूपी में कानपुर सहित किसी भी ज़िले में ना फैले। मतलब आपको डर नहीं लगता कि पब्लिक प्लेस में कम्युनिकेबल डिजीज है तो पब्लिक प्लेस में कम्युनिकेट हो जाएगी ना, तो एक्चुअली में अगर कोई वहाँ होगा तो उससे अपने ट्रेन लोगों से मिलने आए थे अभी मैंने।